के पावन भूमि पर आयोजित बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय दरोगा बाबू के 102वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष नंदू बाबू, मंच पर उपस्थित हम सबों के अभिभावक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्रिका बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत स्तरीय सभी प्रतिनिधिगण, नगर पंचायत के प्रतिनिधिगण, जिला परिषद सदस्यगण, नगर पंचायत के चेयरमैन, उप चेयरमैन, प्रखंड उप प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी माननीय मुखियागण, पूर्व मुखियागण और सभी सम्मानित परसा के कोने कोने से आए सभी हमारे गार्जियनगण, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, सबसे पहले दरोगा बाबू की जन्मभूमि और कर्मभूमि परसा की धरती को नमन करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दरोगा बाबू की 102वीं जयंती है। 102 वर्ष पहले इस धरती पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने परसा का नाम पूरे बिहार में, पूरे देश में रोशन करने का काम किया। इसके लिए हम लोग का आज भी गर्व है। हम लोग कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि परसा घर है, तो लोग बोलते हैं कहाँ, दरोगा बाबू की धरती से आए हैं। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और इस गर्व को बरकरार रखने के लिए उनके आदर्शों को, उनके वचनों को, उनके कर्मों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। आज जो भी इच्छित बिहार दिखाई दे रहा है उसके नींव रखने का काम कोई किया तो दरोगा बाबू थे। इच्छित बिहार को नींव रखने का काम उन्होंने किया। आज उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस बिहार को बढ़ा रहे हैं, चमका रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन उसका जो नींव का ईंट रखे थे वो दरोगा बाबू थे, उसमें आप सबका योगदान रहा है और उसमें हम लोग गौरवान्वित हैं। आगे हम लोग उनके आदर्शों को, वो जो पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अतिवृद्धों की, जो कमजोर वर्ग के लोगों थे उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लिए थे, उन्हें हम सब लोग को लेकर चलना होगा और सबका साथ सबका विकास, ये हमारा सोच संबंध होना चाहिए, तब हम दरोगा बाबू के सपने को साकार कर सकते हैं। इसलिए इस अवसर पर यही कहेंगे कि दरोगा बाबू हमारे आदर्श हैं, इतिहास हैं और आदर्श और इतिहास हम भुलाएंगे। जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है, जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। दरोगा बाबू हमारे इतिहास हैं, उस इतिहास को जिंदा रखना, उसे आगे बढ़ाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम जरूर पूरा करेंगे, यह संकल्प लेने की जरूरत है। दरोगा बाबू के कदम, चले हुए कदमों पर चलकर, बताए हुए मार्गों पर चलकर हम बेहतर निर्माण कर सकते हैं। हमारे मंत्री जी, गार्जियन, सब लोग को साथ लेकर चलते हैं, यह इनकी बहुत बड़ी खूबी है। और महापुरुष की कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होता है। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग आज आपके साथ खड़े हैं। दरोगा बाबू की जयंती पर यह उनकी सबसे बड़ी जीत है और इसलिए हम लोग सबके साथ, सबके विकास को, सबको साथ लेकर चलना होगा और जो भी बाकी काम होगा हम सब लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। अभी हम लोग दरोगा बाबू के मूर्ति पर मार्गार्पण किए हैं, वहाँ उनके नाम पर पुस्तकालय आदरणीय मंत्री जी चंद्रिका बाबू ही बनाए हैं। उसे अभी हम अर्जुन भाई से पूछ रहे थे वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, उसमें अभी हम लोग के पास प्रखंड में कुछ सुविधा आया है, उप प्रमुख जी से बात हुआ था, उसे और हम लोग सुसज्जित करने का, बेहतर करने का, व्यवस्थित करने का, आधुनिक पुस्तकालय बनाने का काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और काम करेंगे भी। उस पुस्तकालय से एक बेटा बेटी भी पढ़ लिख कर देश और दुनिया में जाएगा तो दरोगा बाबू का नाम अमर होगा, रोशन होगा। इसके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दरोगा बाबू पुस्तकालय अब सुसज्जित पुस्तकालय, सुरक्षित पुस्तकालय और सुविकसित पुस्तकालय के रूप में दिखाई देगा, ये हम आपसे जरूर वादा करना चाहेंगे। और हम सब लोग मिलकर आपके जो भी सपने होंगे, दरोगा बाबू के जो सपने हैं उसे पूरा करने का संकल्प लेते हैं। यह संकल्प आप लोग भी लीजिए और सबका साथ सबका विकास, सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को लेकर जिस तरह दरोगा बाबू चलते थे, हम सभी सबको साथ लेकर चलने का संकल्प ले, यही उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दरोगा बाबू अमर रहे, दरोगा बाबू अमर रहे, अमर है, अमर है।